गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए 17th मार्च का पेपर अवेलेबल है जो मेमोरी बेस्ड प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें फिजिकल के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस फिजिकल में पेपर में आए और ये आपको हेल्प करेगा आपके पेपर को एनालाइज करने में। इसमें 4 क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि 100 मोलर एक्वो सॉल्यूशन गिवन। एक्वो सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है और मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 100, वाटर का मास सॉल्वेंट का मास 1000 है यहाँ पर, और मोलर मास वाटर का होता है 18। तो यहाँ आप नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैलकुलेट कर सकते हो, ये होंगे 1000/18। अपने को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल्स आपके पास में 100 हो गए और सॉल्यूशन के मोल्स चाहिए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0.6428। ठीक है, ये आपके पास में फ्रैक्शनल वैल्यू है। आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है जेड, जिसके लिए आपको दिया है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इंटू 100, तो ये वैल्यू आती है 64.28, जिसका क्लोजेस्ट इंटीजर आंसर होना चाहिए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टोइकोमेट्री से है। यहाँ पे आपको दे रखा है जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इस रेडॉक्स रिएक्शन में डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन हो रहा है वो Fe+2 के साथ में हो रहा है। डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता है Cr+3 में अपने को उन्होंने, और Fe+2 का ऑक्सीडेशन होने पर ये Fe+3 में कन्वर्ट होता है। इसकी रेडॉक्स रिएक्शन ये होनी चाहिए। इस रेडॉक्स रिएक्शन में Cr2O7 का एन फैक्टर होता है 6 और Fe+2 का एन फैक्टर होता है 1। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। मिली इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर आप लोग कर सकते हो। मिली मोल्स के लिए मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 0.03 × 20, एन फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिली इक्विवेलेंट मिल गए। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में वॉल्यूम है, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, एन फैक्टर 1 मैंने बता रखा। यहाँ से मोलरिटी की वैल्यू 0.24 आया। अब आपको जो आंसर करना है वो आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ x × 10⁻²। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ एक्स का वैल्यू आपके लिए 24 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टोइकोमेट्री का अगेन क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज यील्ड पूछ रखा है। उसके लिए आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें बेंजीन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रो बेंजीन में। बेंजीन का मास गिवन है 3.9 और नाइट्रो बेंजीन जो बन रहा है प्रोडक्ट उसका मास दे रखा है 4.92। ठीक है, अब सिंपल से स्टोइकोमेट्री में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू परसेंटेज यील्ड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपको करना है। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मास दे रखा है मोलर मास बेंजीन का 78 मोल्स आ जाएंगे इनटू परसेंटेज यील्ड y/100 दैट इज इक्वल टू 4.92 डिवाइडेड बाय मोलर मास नाइट्रो बेंजीन 123। तो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू 80% आती है, तो यहाँ पे आपका आंसर y का वैल्यू 80 होना चाहिए। अगेन फोर्थ क्वेश्चन भी स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिल्वर प्रोडक्ट में ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ AgNO3 विथ H3PO2। तो यहाँ पर आपके पास में रिएक्शन दे रखी है वो अनबैलेंस स्टेट में है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट AgNO3 का 4, H3PO2 का 1, वाटर का 2, प्रोडक्ट में Ag का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, H3PO4 बनेगा प्लस 4HNO3 बनेगा। अब यहाँ पर मोल्स आपको दे रखे H3PO2 के 1 मोल दे रखा है। स्टोइकोमेट्री से देखोगे तो 1 मोल H3PO2 से 4 मोल Ag का फॉर्मेशन होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर Ag के लिए नंबर ऑफ मोल्स 4 होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक और क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का आएगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है कार्बन का आयन, कार्बन का आयन C5+ होना चाहिए। आपके पेपर में C+ गिवन है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, C5+ होना चाहिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तभी आप बोस की थ्योरी इस पर अप्लाई कर पाओगे।
और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है और ये दोनों एनर्जीज इक्वल है, तो यहाँ पर एनर्जी को इक्वेट कर लिया। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू कार्बन के लिए 6 और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1। एन सेल कैलकुलेट करना है और हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट दे रखा है तो एन की वैल्यू 1, यहाँ से एन कैलकुलेट करते हो तो एन की वैल्यू 6 आती है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का है जो रेडियल नोड से रिलेटेड है। इसके लिए आपको एन का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू 4 है और एम की वैल्यू -3 दे रखी है। एम की वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हो एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू आपके पास में एटलीस्ट 3 होनी चाहिए और एन की वैल्यू दे रखी है तो एन की वैल्यू के लिए एल होगा -3 2, +3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम आपको -3 दे रखा है, इट मीन्स एल एटलीस्ट 3 होना चाहिए, तो एल की वैल्यू आपको नोन हो गई यहाँ पर 3। एल अगर नोन है तो रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1 प्लेस करें, एन का वैल्यू 4, एल 3-1, आंसर आपका 0 होगा, इट मीन्स इस ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो गैसीय स्टेट का है जिसमें मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस गिवन है। इस मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो CO2 के, जिसके लिए मास गिवन है। दूसरी गैस है CH4, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर है जिसका मास दे रखा है 6.4। मोल्स कैलकुलेट करोगे 8.8/44, 0.02 मोल, 0.2 मोल, और मोल्स ऑफ CH4 कैलकुलेट करोगे गिवन मास 6.4/16, 0.4 मोल आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे। अब आप PV=nRT अप्लाई करो तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस आपके पास में आता है 1.478। आपको क्लोजेस्ट इंटीजर आंसर प्रोवाइड करना है तो इसका आंसर होना चाहिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स, या फिर इसको गैस स्टेट के लिए भी बोल सकते हो, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है पॉइजन रेशियो गामा। इसके लिए आपको गिवन है 24 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 24 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन लीनियर होना चाहिए। नॉन लीनियर होगा तो इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच मॉलिक्यूल के लिए 3 होती है, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। इसके लिए आप अगर CVM कैलकुलेट करोगे तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के लिए एनर्जी का कंट्रीब्यूशन RT/2 रहता है, दैट्स वाई यहाँ पर CVM के लिए 3R/2 फ्रॉम ट्रांसलेशनल, 3R/2 फ्रॉम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 24R ये आएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से, टोटल CVM का वैल्यू आ गया 27R। CPM होता है CVM+R, ये आ जाएगा आपके पास में 28R। यहाँ से गामा कैलकुलेट करते हो CPM अपॉन CVM जिसका वैल्यू 1.037 है, तो यहाँ जो ऑप्शन आपको दे रखा है 1.03, ये ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें दो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है जिसमें एक तो है Al2O3 के लिए और दूसरा है CaO के लिए। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ΔHR कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा हैस लॉ अप्लाई कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट -एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपको CA दे रखा है प्योर एलिमेंट के लिए और प्योर रिएक्टेंट जो आपको Al दे रखा है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 -3 times एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। रिएक्शन बैलेंस कर लेना ध्यान से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, तो इसके बेसिस पर आपका आंसर होना चाहिए 230 और यूनिट होनी चाहिए kJ/mol, ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका 230 है। अगला क्वेश्चन काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इस काइनेटिक्स क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी एक कंपोनेंट रहा होगा जिसका डीकम्पोजिशन हो रहा है और डीकम्पोजिशन के लिए टाइम दे रखा है 570 सेकेंड। इस डीकम्पोजिशन के बाद में वो 32% रिमेनिंग रह रहा है, इट मीन्स फाइनल टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन 32% होगी इनिशियल का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मुलेशन अप्लाई करते हो तो K=1/T ln A / A-x, तो यहाँ पर T का वैल्यू 570,
इनिशियल अमाउंट 100 अज्यूम कर लिया तो फाइनल अमाउंट रिमेनिंग 32 रहेगा। और डाटा प्लेस करोगे तो यहाँ पर LN2 को LN 100 को लिख सकते हो 2 LN 10 और LN 32 को आप लिख सकते हो 5 LN 2। LN 10 का वैल्यू 2.3 और LN 2 का वैल्यू 0.7 आप कैलकुलेशन के लिए यूज में लेते हो। तो उस कंडीशन में आपके पास में रेट कॉन्स्टेंट K का वैल्यू आता है 2 × 10⁻³। अब आपको जो आंसर फ्रेम करना है वो है K × 10⁻³। दैट्स व्हाई यहाँ पर X का वैल्यू आ जाएगा 2। ये आपका फाइनल इंटीजर आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड, जहां पर सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड दे रखा है, जिस पर हेनरी लॉ अप्लाई करना है। हेनरी लॉ के लिए आपको नोन है P = KH × X किया जाता है। अब जो डाटा दे रखे है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस और हेनरी कॉन्स्टेंट का वैल्यू दे रखा है। तो इसके बेसिस पर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लिक्विड फाइंड कर सकते हो। इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 2.5 × 10⁴। इस मोल फ्रैक्शन के बेसिस पर आप मोलालिटी कैलकुलेट करते हो, जिसको सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। या तो क्वेश्चन मोलालिटी का था या फिर सॉल्युबिलिटी का था। मोलालिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों ही सेम है। मोलालिटी दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय GMM ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप मोलालिटी कैलकुलेट करते हो तो मोलालिटी की वैल्यू 0.0138 आती है। इसको अगर यहाँ पर एक्स की टर्म में कन्वर्ट करते हो तो एक्स की टर्म में कन्वर्ट करने पर एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेट इंटीजर 14 आता है। तो आपका आंसर 14 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सरफेस से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में आपको डिस्पर्शन फेज दे रखी है गैस और डिस्पर्शन मीडियम दे रखा है सॉलिड। गैस इन सॉलिड के सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉलिड सॉल्व। ठीक है, ये 12 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में मेमोरी बेस्ड फाइंड किए गए और इसको आप अपने पेपर से रिलेट कर सकते हो। थैंक यू।